तो मैं अपने सीट पे बैठ चुका हूँ, मेरा सीट नंबर आ जाओ 15। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं भी जा रहा हूँ कौशिक सर के साथ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ गए? सरप्राइज था। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, सो मैं ई रिक्शा देख रहा हूँ। सो ई रिक्शा पे बैठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 7:37 हो गया है भैया। स्टेशन चलिए गाइस, मैं ई रिक्शा पे बैठ चुका हूँ, अब आपसे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। ओके गाइस, रेलवे स्टेशन मैं आप पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये रहा गया रेलवे जंक्शन। सो अंदर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए फिर अंदर। सो गाइस, मैं आपको चार अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा इंडियन रेलवे के बारे में। सो फैक्ट नंबर 1, ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को लूटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दो जो अनमोल चीज उन्होंने दिया वो था, पहला इंडियन रेलवे, मतलब कि अब जितना भी रेलवे नेटवर्क देखते हैं, रेलवे ट्रैक देखते, सारा ब्रिटिशर्स का देन है। और दूसरा जो था यूपीएससी। सो यही दो चीज जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को दिया था। नाउ फैक्ट नंबर 2, जो पहला ट्रेन हमारे भारत में चला था, डेट था 16 अप्रैल 1853, मुंबई बोरी बंदर से थाने तक चला था, जिसने 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। नाउ फैक्ट नंबर 3, गाइज एज यू नो दैट कि हमारा जो होम टाउन है वो बिहार है। सो बिहार पे एक फैक्ट जरूर बनता है। सो जो पहला इंडियन रेलवे वर्कशॉप जो हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था हमारे स्टेट बिहार में। सो एक बिहार का जगह का नाम है जमालपुर, मुंगेर के नजदीक। सो ब्रिटिशर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था आजादी से पहले, ईयर था 1862। नाउ फैक्ट नंबर 4, इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, followed by US, China and Russia with over 64,000 किलोमीटर। कहने का मतलब है जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो 64,000 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ है, और सबसे पहले आता है US, फिर चाइना, फिर रशिया को फॉलो करते हुए। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके गाइस, सो बस हम पहुंच चुके हैं। तो ये रहे हमारे सोनू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है सोनू भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ सर से मिलिए, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली सबको लग रहा होगा कि मैं जा रहा हूँ कहीं, ये नहीं लग रहा कि तौसीफ सर कहीं जा रहे हैं। सो गाइस, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं तौसीफ सर को ड्रॉप करने के लिए तौसीफ सर जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि तौसीफ सर निकल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो सोनू भाई आप बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलेंगे जरूर कि ये हमारा भाई हुआ मोहम्मद तौसीफ, ये हमारे साथ बचपन से रहा है, हम लोग से जुड़ा है, और हम यही चाहेंगे कि ये अपने मकसद को लेकर के जा रहा है दूसरे वतन में, अच्छे से ये अपना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े लिखे वहाँ पे एक, और कामयाब हो करके ये अच्छे से कुछ बन करके ये अपने वतन में सही सलामत लौटाएं। यही अल्लाह पाक से मेरी दुआ है, सभी से शुभकामनाएं हैं, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। आप जा रहे थे नॉर्थ में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्ट्रेंजर से ज्यादा मिलना नहीं है, अपने जो गोल है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और बाकी तो हमारे ताल्लुकात होते रहेगी, बातचीत होती रहेगी, कॉन्टेक्ट रहेंगे, कोई भी दिक्कत हो कुछ लोग और बेझिझक करें, ठीक है ना? और अच्छे से रहें, और बस कुछ बन के आना है, कामयाब हो गया। चलिए आप ट्रेन पे चलते जाते साथ में, चलते अंदर।